नमस्कार, मैं दिव्या धरातल। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार के मौसम में ठंड फिर बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटे के भीतर पटना, गया, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार सुबह भी कई इलाकों में सर्द हवा चलने से ठंड का एहसास हुआ। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अभी बिहार में शीतलहर का एक और चक्र आने की संभावना है। अगले 2 दिनों के भीतर राज्य में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होगा। सितंबर 1960 के सिंधु जल संधि में संशोधन को लेकर भारत ने पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को लागू करने में भारत दृढ़ समर्थक जिम्मेदार रहा है। पाक की कार्रवाई ने सिंधु संधि के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इस वजह से भारत को नोटिस जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस नोटिस का उद्देश्य पाकिस्तान को सिंधु जल संधि के उल्लंघन को सुधारने के लिए 90 दिनों के भीतर अंतर सरकारी वार्ता में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करना है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी शराबबंदी कानून को लेकर सवाल उठाते रहे। इस बीच उन्होंने अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सामने शराबबंदी कानून वापस लेने की मांग की है और मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समझाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, अति सर्वत्र वर्जते। बोधगया में आयोजित बौद्ध महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जीतन राम मांझी पहुंचे थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत अवंतीपुरा से की। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी यात्रा में शामिल हुई। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक नजर आए। हालांकि जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक को लेकर 27 जनवरी को पद यात्रा रोक दी गई थी। अब इस मामले में भाजपा और कांग्रेस पार्टी आमने सामने आ गई है। दोनों पार्टियां एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान शनिवार को खगड़िया पहुंचे, जहां उन्होंने शनिवार सुबह 11:11 पर रौन स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज खगड़िया का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने कंप्यूटर क्लास का निरीक्षण किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां जहां इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है, वहां निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। कई जगह बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है। चीन को फोकस में रखकर भारत की सरकार ने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को अपग्रेड करने की कवायद शुरू कर दी है। ये दावा है कि अमेरिकी रिपोर्ट में किया गया है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की आक्रामकता के खिलाफ भारत भी आक्रामक अंदाज में तैयारी कर रहा है और चीन को पूरी तरह से फोकस में रखकर अपने परमाणु शस्त्रागारों का आधुनिकीकरण कर रहा है। इन दिनों अमेरिका के सेफ और नामचीन ब्लॉगर एटन बरनाथ का मुजफ्फरपुर से जुड़ा हुआ वीडियो काफी चर्चा में। हाल में उन्होंने जिले के सकरा के रामे रामपुर व मुरौल के गंगटी गांव का भ्रमण किया, जहां गांव की महिलाओं ने उन्हें घी तैयार करने की विधि के बारे में एक एक जानकारी दी। संसद का बजट सत्र हंगामेदार होने वाला है। कांग्रेस ने लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर सरकार को घेरने की योजना बनाई है। पार्टी ने LAC के पास भारतीय क्षेत्र पर चीन के कथित कब्जे को लेकर संसद के बजट सत्र में चर्चा की मांग की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। BPSC ने 68वीं प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। 38 जिलों में 805 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रीलिम्स परीक्षा 12 फरवरी 2023 को दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एक पाली में आयोजित की गई है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में किसी यान का प्रक्षेपण बहुत महंगा काम है। इसकी सबसे प्रमुख वजह यही है कि एक बार उपयोग में लाया जाने वाला प्रक्षेपण यान दूसरी बार किसी उपयोग के लायक नहीं रहता और यहां तक कि उसका कोई भी हिस्सा वापस में नहीं मिलता, क्योंकि प्रक्षेपण यानी सैटेलाइट को अपनी जगह पर पहुंचाने के बाद पृथ्वी के किसी महासागर में गिर जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से दुनिया के स्पेस एजेंसी रियूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी पुनः प्रायोज्य लॉन्च वाहन पर काम कर रही है, जिसका अब इसरो भी परीक्षण कर रहा है। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर BBC की डॉक्यूमेंट्री की निंदा की। ब्रिटेन के सांसद ने BBC की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को अपमानजनक और कट्टर कार्य बताया है। ब्रिटिश सांसद ने कहा है कि डॉक्यूमेंट्री एक तरफा था और इसने गोधरा ट्रेन कांड में हिंदुओं को निशाना बनाने की अनदेखी की है। सांसद ने जोर देकर कहा है कि BBC की डॉक्यूमेंट्री ने तत्कालीन मुख्यमंत्री की ओर से दंगों को रोकने के लिए किए गए प्रयासों की अनदेखी की। हाल ही में जब अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ की कोशिश को भारतीय फौज ने नाकाम कर दिया तो चीन बौखला गया है। चीन अस्पष्ट तौर पर भारत को चेतावनी देता भी रहता है, लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि शांति के हम पुजारी हैं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ने की कोशिश की तो चुप भी नहीं बैठेंगे। इन सबके बीच इस तरह की रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि लद्दाख के इलाके में चीनी सैनिकों के साथ टकराव के मामले और बढ़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया गया है। शुक्रवार को यात्रा के कश्मीर में प्रवेश करने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। इस दौरान वो यात्रा बीच में ही छोड़कर चले गए। वहीं राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है।
वीपीए प्रमुख प्रकाश आम्बेडकर ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी आयकर विभाग ईडी या सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि वे जो कर रहे हैं वो कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं। सत्ता बनाए रखने के लिए जो जरूरी होता है वो वही कर रहे हैं। उनकी जगह अगर मैं होता तो भी मैं यही करता। कानून के दायरे में रहते हुए अपनी कुर्सी को बचाने की जुगत लगाने में कुछ भी गलत नहीं है। इससे पहले भी सरकारों ने यह किया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक बड़े नियम को बदल दिया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक सख्त चेतावनी भी जारी की है। अगर कर्मचारियों ने अनदेखी की तो उन्हें अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन व ग्रेचुएटी से हाथ धोना पड़ सकता है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने काम में लापरवाही करता है तो उसके बाद रिटायरमेंट के और पेंशन पर ग्रेचुएटी रोकने का निर्देश दिया गया है। सरकार का यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू रहेगा, लेकिन आगे जाकर इस पर राज्य भी अमल कर सकते हैं। हर रोज पाकिस्तान किसी न किसी नए संकट से जूझ रहा है। ऐसे हालात के बीच पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार ने शहबाज शरीफ सरकार पर निशाना साधते हुए कश्मीर विवाद को पीछे रखकर भारत से संबंधों को सुधार करने की नसीहत दी है। पाकिस्तानी पत्रकार कामरान यूसुफ का मानना है कि जिस तरह के हालात देश में गुजर रहे हैं, पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे को नहीं बल्कि आंतरिक मुद्दे को प्राथमिकता देनी चाहिए। 17 जनवरी से 22 जनवरी को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा बीच पर एम्फीबियस अभ्यास को अंजाम दिया गया। इस अभ्यास का नाम AMPHEX-23 था, जिसमें नौसेना, वायुसेना और थल सेना के सैनिक और अन्य प्लेटफॉर्म ने हिस्सा लिया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि उन्होंने कभी भी लोगों से गुजरात दंगे को भूलकर आगे बढ़ने की बात नहीं की है। थरूर ने कहा है कि देश के धर्मनिरपेक्ष लोगों को गुजरात दंगे को लेकर खुद के बारे में दुर्भावनाग्रस्त रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। दरअसल शशि थरूर ने इससे पहले अपने एक बयान में कहा था कि हमें गुजरात दंगे को पीछे छोड़ देना चाहिए और आज के समय में जो समस्याएं हैं उन पर फोकस करना चाहिए, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर थरूर की खूब आलोचना हुई, जिसके बाद शशि थरूर ने अपने बयान पर सफाई दी है। राजनीतिक मामलों के अमेरिका अवर सचिव विक्टोरिया न्यूलैंड 28 जनवरी से 3 फरवरी तक भारत, नेपाल, श्रीलंका और कतर के आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। अमेरिका विदेश विभाग के एक आधिकारिक बयान में कहा, अपनी भारत यात्रा के दौरान न्यूलैंड अमेरिका भारत वार्षिक विदेश कार्यालय परामर्श का नेतृत्व करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की पूरी श्रृंखला शामिल है और युवा तकनीकी नेताओं के साथ भी मुलाकात करेंगी। अमेरिका इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष करुण ऋषि ने कहा है कि समय आ गया है कि भारत सरकार दवा क्षेत्र के लिए शोध व विकास नीति लेकर आए। बोस्टन स्थित USAIC पिछले 16 वर्षों से भारत अमेरिका स्वास्थ्य देखभाल शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत और अमेरिका के फार्मा क्षेत्र के दिग्गज हिस्सा लेते हैं। मोदी सरकार की तरफ से किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बड़ा बयान सामने आया है। गडकरी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए GDP में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों की हिस्सेदारी 24% से ज्यादा होनी जरूरी है। उन्होंने ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में तकनीकी को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है। देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए उद्योग जगत को न केवल रफ्तार देने की कोशिश की जाएगी बल्कि आने वाले दिनों में भारत इन तकनीकों का वैश्विक नेतृत्व कर सके। इसलिए देश को नई नई तकनीकों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए बजट में वित्त मंत्री कई नए ऐलान कर सकती हैं। UFBA और IBA के बीच एक समझौता बैठक के बाद भारत की यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने शनिवार को पहले से नियोजित 2 दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल को वापस ले लिया है और जो 30 और 31 जनवरी के लिए निर्धारित थी, अगर इन दिनों दोनों में हड़ताल होती तो बैंक 28, 29, 30 और 31 जनवरी तक लगातार 4 दिनों तक बंद रहता। अब ऐसा नहीं होगा और आम लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने तुच्छ याचिकाएं दायर कर कोर्ट का समय बर्बाद करने के मुद्दे को गंभीरता से लिया है। अदालत ने आदेश दिया है कि 2 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन वेलफेयर फंड में 50,000 रूपए जमा करवाकर इस संबंध में रसीद हाईकोर्ट में जमा कराने होंगे। भारत ने शुक्रवार को हाइपरसोनिक हथियार बनाने के चंद देशों की होड़ के बीच स्क्रैमजेट इंजन से चलाने वाले हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया। हाइपरसोनिक हथियार ध्वनि से 5 गुना अधिक रफ्तार की गति से लक्ष्य तक का सफर तय करते हैं और किसी भी अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली को चकमा देने में सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट ने एक पूर्व न्यायाधीश ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू की हालिया टिप्पणी की आलोचना पर करारा जवाब दिया है। पूर्व न्यायाधीश रोहिंगटन फली नरीमन ने शुक्रवार को कहा कि अगर स्वतंत्र न्यायपालिका का आखिरी गढ़ गिर जाता है तो देश अंधकार के रसातल में चला जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए नामों को रोकना लोकतंत्र के खिलाफ घातक था। पठान फिल्म रिलीज होने के बाद भी इसे जुड़े बयान और विवाद खत्म नहीं होने का नाम ले रहे हैं। फिल्म ने पहले दिन ही 57 करोड़ का बिजनेस करके सभी को चौंका दिया तो वहीं दूसरी तरफ विरोधी अभी भी इस फिल्म को फ्लॉप कहने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व
जज मार्केंडे कार्ज को लगातार इस फिल्म पर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट में लिखा है कि पठान को देखते उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट पर लिखा है कि पठान को देखने जाती भीड़ को देखकर मुझे लगता है कि आदेश पागलखाना हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग मार्केंडे कार्जू के इस पोस्ट पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार विभागीय सूत्रों का दावा है कि इस बार बजट में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों की चांदी होने वाली, क्योंकि सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी से लेकर चार्जिंग प्वाइंट तक की व्यवस्था करने वाला है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों व पॉल्यूशन की समस्या को देखते हुए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। इससे पहले कई प्रदेशों ने अपने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर सब्सिडी का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश ने अपने 9 स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग प्वाइंट पेश किए हैं। रेलवे मुंबईकरों की बढ़ती संख्या आवागमन को लेकर इस अस्थायी मोड पर अपनी व्यवस्था स्विच कर रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनेंस, दादर बायकुला, परेल कुर्ला, लोकमान्य तिलक टर्मिनेंस, भांडुप, कल्याण और पनवेल में ईवी चार्जिंग सुविधा शुरू की गई है। देश में सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की मूल कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से निपटने के उद्देश्य का ऐलान किया है। वह अपने बायोगैस का उत्पादन करने के लिए गाय के गोबर का इस्तेमाल करेगी, जिसका उपयोग देश में सीएनजी कारों को चलाने के लिए किया जा सकता है। यह ऐलान वित्त वर्ष 30 के लिए सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के विकास का रणनीति का हिस्सा है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है अखिलेश यादव, अनमोल, रविशंकर, अंजनी कुमार, अशरफी मंडल, नुन्नू गोलू कुमार, महमूद अंसारी, विजय सिंह, एमडी नौसाद रजा, दीपक कुमार और एमडी साकिर हुसैन। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।